relation of political science with other social sciences. The first relation with the political science is we will discuss with the history. So political science and history are greatly related with each other. According to Professor John Selle, he said that history without political science has no fruit and political science without history has no root. उनके मुताबिक ये है कि तारीख सियासियात के बगैर बेसमर है और सियासियात बगैर तारीख के बेजड़ है. यानी ये आपस में इतने इंटरकनेक्टेड हैं कि अगर पॉलिटिकल साइंस आपको पढ़ना है तो उसके लिए आपको तारीख का सहारा लेना ही पड़ेगा. आप तारीख के पढ़े बगैर यानी उसका तारीखी पस मंजर रियासत का पढ़े बगैर आप सियासियात पढ़ ही नहीं सकते. हमें सियासियात के बारे में जो भी बुनियादी मालूमात हासिल होती है वो तारीख के जरिए हमें पता चलती है. देखिए हमने अभी आपको पॉलिटिकल साइंस की डिटेल बताई थी कि द पॉलिटिकल साइंस इज डिराइव विद द टू वर्ड्स, वन इज पॉलिटिकल एंड अदर वन इज साइंस. So, political word is derived from the polis, which is a Greek word, and it used for the city-state in Greece, and they called polis. So, इसी से हमें पता चल जाता है कि हम तो नाम भी नहीं समझ सकते इसका बगैर तारीख के या बगैर historical evolution के. इसी तरह हमें पता ही ना चलता कि पुराने जमाने की रियासत कैसे होती थी. इसी तरीके से जैसे हमने आपको अभी बताया था कि एरिस्टोटल इज़ अ फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस. क्यों? क्योंकि वो थिंकर थे जिन्होंने हमें बताया कि रियासत चार अनासर पे बनती है. और वो चार अनासर कौन से हैं वो हमने आपको बताया कि पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड द सोवरेनिटी ऑफ दैट गवर्नमेंट. सो हम तो ये सारी डिटेल भी नहीं जान पाते अगर हमें ना पता चलता. फिर उन्होंने बताया कि हुकूमत कैसी होनी चाहिए, कितने किस्म की होनी चाहिए. सो ये तमाम मालूमात हमें किससे मिली? तारीख से मिली. सो इसीलिए कहा कि सियासियात अगर किसी भी ऐसे दरख्त को देख लीजिए जिसकी जड़ ना हो वो खड़ा भी नहीं रह सकता, वो जिंदा नहीं रह सकता. तो सियासियात को जिंदा रखने के लिए तारीख का मुताला करना बे इंतहा जरूरी है. बिल्कुल इसी तरह पोलिटिकल साइंस का हमने जैसे आपको बताया कि कितना इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री के लिए, क्योंकि जितनी भी डेवलपमेंट होती है वो हिस्ट्री का हिस्सा उस वक्त बनेगी जब डेवलपमेंट होगी. तो ऐसी सूरत में हमें उनके ये जो रिमार्क्स हैं जॉन सेले के ये बहुत ही सही महसूस होते हैं. देन पॉलिटिकल साइंस डील्स विद स्टेट एंड इंस्टीट्यूशन रिलेटेड विद इट विच have their roots in history, and in order to understand them fully one has to trace their historical evolution. maine jaise aapko bataya ki siyasiyat riyasat aur iske idaron ka ilm hai jinke aagaaz ki malumat hame tareekh se hi faraham hoti hai. agar hum tareekh ke na padhe to hame in idaron aur nazariyat aur inka irtika hi samajh mein na aaye to hamare samajhne ke liye ye bahut hi zyada ahem hai. फिर history through its vast resources provides good scope for comparative analysis of political structure and institutions of different times to arrive at the best possible ideals. तारीख मुख्तलिफ ज़राए से ऐसी मालूमात फराहम करती है जिसके जरिए सियासी इदारों की साख्त और इनके पीछे कारफरमा नजरियात का तकाबुली जायजा लिया जा सकता है. यानी जैसे हमने आपको बताया था कि रियासतें कितने स्टेजेस से गुजरी हैं. फॉर एग्जांपल दुनिया की जो पहली स्टेज थी वो सुमेरियन असेरियन ट्राइबल स्टेज थी. अब वो हम पढ़ते हैं कि वो कैसी थी, वो गांव नुमा रियासतें थी, छोटी सी थी, उनके अंदर बहुत सारी चीजें मौजूद नहीं थी, लिखा हुआ कानून मौजूद नहीं होता था. इसी तरह फिर हम यूनान की शहरी रियासतें पढ़ते हैं तो हम बताते हैं आपको कि जो शहरी रियासतें थी वो रियासत की डेफिनेशन पे पूरा उतरती थी. वो छोटी जरूर थी मगर उनकी अपनी हुकूमत होती थी, अपना कानून होता था, अपनी करेंसी होती थी, अपने मीन्स ऑफ ऑक्यूपेशन थे. मतलब हर कौम का एक ही रोजगार का तरीका नहीं होता था बल्कि मुख्तलिफ हुआ करते थे. इसी तरीके से हर कौम जो है उनका लाइफस्टाइल दूसरे से डिफरेंट होता था. तो ये जब हम पढ़ते हैं तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि ट्राइबल स्टेट में क्या कमी थी और ग्रीक स्टेट्स क्यों उनसे बेहतर थी. तो ये सब हमें मालूमात किसके जरिए मिलती है? तारीख के जरिए. बट at the same time it only provide mere history of past events but political science provide all stages of state and government. iske bawajood dekhiye agar itna hi tareekh se taluq tha to hum tareekh hi mein hi pad lete na, hum alag se subject kyu pad rahe. to yakeenan kuch aisa hoga jo naya hai aur jo tareekh se alag hai.
वो क्या है कि हम सियासियात में हकूमत और रियासत की हर स्टेज पढ़ते हैं, और हम आज को भी पढ़ते हैं। तो अगर हम आज ना पढ़ते, अगर हम तारीख में पढ़ रहे होते तो वी ऑल्सो डिस्कस प्रेजेंट एंड वी ऑल्सो प्रिडिक्ट फ्यूचर, यानी हम उसका आज हाल भी पढ़ते हैं और उसका मुस्तकबिल भी पढ़ते हैं। लिहाजा पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री दो अलहदा मजामीन जरूर हैं, मगर दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। नेक्स्ट हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस विद द सोशियोलॉजी। सो सोशियोलॉजी इज अ साइंस विच डील्स विद ह्यूमन बीइंग एंड देयर सोशल रिलेशनशिप, वेयर एज पॉलिटिकल साइंस डील्स विद द पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ मेन, पॉलिटिकल एक्टिविटीज इन्फ्लुएंसेस एंड इट एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल लाइफ। Influenced by the social life of men. इमरानियात ऐसा इल्म है जिसका ताल्लुक इंसान और उसके समाजी रवैयों से मुताल्लिक है, जबकि सियासियात इंसान के सियासी सरगर्मियों से ताल्लुक रखता है जो इंसान के समाजी रवैयों पर भी असरअंदाज होती है। इट मीन्स इट इज सोशियोलॉजी इज स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड द ह्यूमन बिहेवियर when he lived in a society, not in a political society. So social political science studies state, government and power mostly, while sociology provides sociological background. सियासियात हमें रियासत, हुकूमत और इख्तियार का इल्म देती है, जबकि इमरानियात हमें माशरे और इसके पस मंजर का इल्म फराहम करता है। According to मॉरिस जिन्सबर्ग, historically sociology has its main roots in politics and philosophy of history. जेन्सबर्ग के मुताबिक तारीखी तौर पर इमरानियात की बुनियाद सियासियात और तारीख के नजरिए से है। The state which is the center of political science in its early stage was more of a social than political institution. रियासत जो सियासियात का बुनियादी मरकज है, अपनी इब्तिदा में सियासी से ज्यादा मुआशरती इदारा था। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये समझ लीजिए कि देखिए, रियासत बाद में बनी है, मुआशरा पहले तख्लीक हुआ है। इंसान ने जब साइलेंटली साथ रहना शुरू किया, और वो एक जगह पर इसलिए रहना शुरू किए उन्होंने कि वो दे वांट टू सर्वाइव, वो बका की जंग लड़ रहे थे। और उसके लिए इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम सबको ये समझ में आना चाहिए कि ह्यूमन बीइंग इज़ नॉट सेल्फ सफिशिएंट। जब हम कहते हैं ह्यूमन बीइंग इज़ नॉट सेल्फ सफिशिएंट, इसका मतलब ये होता है कि इंसान अपनी तमाम ज़रूरियात खुद से पूरी नहीं कर सकता, उसे दूसरे इंसानों की मदद की ज़रूरत पड़ती है। तो जब वो इंसान अपनी खास अपनी खुदगर्ज ज़रूरत की खातिर वो एक जगह रहना शुरू हुए, तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करना शुरू किया, यानी उनका एक दूसरे के साथ ताल्लुक बनना शुरू हुआ। और ये ताल्लुक जब बना तो उन्होंने एक मुआशरा कायम कर लिया जिसका खालिस मकसद सर्वाइवल था, यानी वो सिर्फ जिंदा रहना चाहते थे और अपनी जिंदगी को बेहतर तौर पर गुजारना चाहते थे। तो उन्होंने मुआशरा कायम किया। जब उस मुआशरे में हंगामे होना शुरू हुए और ताकतवर ने कमजोर को दबाना शुरू किया, तो कहीं जाके उन्होंने उसको उसमें अपना एक सरदार या अपना हुक्मरान मुंतखब किया ताकि वो कमजोरों को ताकतवरों से बचा सके। जब उसने ये अमल किया तो उसने बुनियादी तौर पे मुआशरे को सियासी मुआशरे में तब्दील कर दिया, यानी उसने रियासत कायम कर ली। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि मुआशरा पहले कायम हुआ, और मुआशरे के कायम के काफी अरसे के बाद जब मुआशरे में हंगामा आराई महाज आराई होना शुरू हुई, तो फिर वो रियासत में तब्दील हुआ। अकॉर्डिंग टू एफ एच गिडिंग, टू टीच द थ्योरी ऑफ द स्टेट टू मेन हु हैव नॉट लर्न द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी इज लाइक टीचिंग एस्ट्रोनॉमी और थर्मोडायनामिक्स टू मेन हु हैव नॉट लर्न न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। वो कहते हैं कि इस इंसान को रियासत का नजरिया नहीं समझाया जा सकता जिसे इमरानियात के उसूल ना मालूम हो। ये ऐसे ही है जैसे न्यूटन के हरकी कवानीन के बगैर किसी को इल्मे फलकियात या मिकानियत पढ़ाई जाए। हमें पहले मौशरती जो अंडरस्टैंडिंग है ना, सोसाइटियल अंडरस्टैंडिंग है, वो हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। आप और हम जानते हैं कि दुनिया में
200 से ज्यादा मुल्क हैं, और उन सब मुल्कों के जो सोशल बिहेवियर हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। इसीलिए क्योंकि उनका सोशल बिहेवियर मुख्तलिफ है, तो हम देखते हैं कि उनका रहन सहन, उनका अंदाज, उनकी सोच, वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। और जब ये सब चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं, तो हम देखते हैं कि उनका स्टेट स्ट्रक्चर भी या तो अच्छा होगा हमसे या बुरा होगा, ज़्यादा ऑर्गेनाइज होगा, कम ऑर्गेनाइज होगा, उनके बिहेवियर, उनका काम करने का तरीका कार भी फर्क होगा। जब हम ये सब पढ़ लेते हैं तो फिर हमें उस रियासत को पढ़ने में आसानी होती है। तो रियासत को पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम मुआशरती इकदार को समझें। तो सोशियोलॉजी बुनियादी तौर पर ये समझ लीजिए कि सोशियोलॉजी एक बहुत बड़ा दरख्त है और पॉलिटिकल साइंस उसका एक ब्रांच है, उसकी एक ट्रंक है, ट्रंक के साथ जुड़ी हुई एक मोटी बहुत मजबूत ब्रांच है। तो हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि जैसे हम कहते हैं सोशियोलॉजी इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस, क्योंकि मुआशरा बना और उसके बाद तमाम मजामीन तख्लीक पाए, और पॉलिटिकल साइंस इज द ब्रांच ऑफ दैट सोशियोलॉजी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सो ये एक पार्ट है सोशियोलॉजी का, लेकिन सोशियोलॉजी भी इसी तरह पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा है। लेकिन इस सब के बावजूद ये दोनों दो अलहदा मजामीन है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस ओनली डील्स द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, वेयर एज सोशियोलॉजी ऑल्सो डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी एंड द कल्चर हु प्रिवेल इन द सोसाइटी। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। देखिए, अभी तक हमने दो जो चीज़ें पढ़ी थी या दो जो सब्जेक्ट पढ़े थे वो ऐसे थे कि वो पॉलिटिकल साइंस को डिटेल प्रोवाइड कर रहे थे। अब जो दो सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे उनमें पॉलिटिकल साइंस उन सब्जेक्ट्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सो इकोनॉमिक, द स्कॉलर्स ऑफ एंशिएंट ग्रीस रिकॉर्डेड इकोनॉमिक एज अ सब डिविजन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। कदीम जमाने में मुआशियात को अलहदा मजमून माना ही नहीं जाता था, बल्कि इसे पॉलिटिकल इकोनॉमी का नाम दिया जाता था और इसे सियासियात का ज़ैली मजमून या सब्सिडरी सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाता था, क्योंकि दोनों का ताल्लुक किससे है, इंसान से और मुआशरे से, इंसान और मुआशरे से है। Both political science and economics is concerned with the welfare of mankind and his relationship with the society, and hence Adam Smith regarded them as a part of the same subject. Adam Smith, आप जानते हैं कि economics के father कहलाते हैं। So Adam Smith कहते थे कि ये दोनों एक ही subject का हिस्सा है, और उसी लिए वो political science को political economy का, वो sorry economics को political economy कहा करता था। मुआशियात रियासत से जुड़ी हुई है, चाहे वो फर्द की हो चाहे वो रियासत की हो। एक फर्द इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो कुछ कमाता है कहीं ना कहीं वो स्टेट की वेलफेयर में जाता है। फॉर एग्जांपल, हम और आप जो भी कुछ कमाते हैं वो बैंकों में जमा होता है, और बैंक जो है वो रियासत से रियासत के इदारे तस्वुर किए जाते हैं, चाहे वो प्राइवेट बैंक ही क्यों ना हो। दोनों सूरतों में जो भी पैसा उन बैंकों में जमा होता है वो रियासत की मईशत कहलाता है। तो इंडिविजुअल इकोनॉमी रिलेट करती है विद द स्टेट इकोनॉमी के। सर जेम्स स्टीवर्ट सेड दैट देयर एग्जिस्ट द सेम रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस एज एग्जिस्ट बिटवीन द थ्रिफ्ट एंड द फैमिली। वो कहते हैं कि दोनों मजामीन एक दूसरे के लिए ऐसे हैं जैसे खानदान और उसकी किफायत शारी, यानी रियासत है और रियासत जो कुछ किफायत शारी करके पैसे जमा करती है वो रियासत की मईशत बन जाती है। टू कोट हिम, व्हाट इकोनॉमी इज इन द फैमिली, पॉलिटिकल इकोनॉमी इज इन द स्टेट। वो कहते हैं कि मईशत अगर खानदान है तो सियासी मईशत रियासत है, यानी एक जो मईशत एक खानदान की होती है तो रियासत की जो मईशत होती है वो सियासी मईशत कहलाती है। हैरल्ड लॉजवेल सेड दैट पॉलिटिक्स एज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, वेयर एज इकोनॉमिक्स डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज डिसाइडिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हूम टू प्रोड्यूस। हैरल्ड लॉजवेल कहते हैं कि सियासत को बयान करते हुए उन्होंने कहा था कि ये एक ऐसा तरीका है जिसमें इस बात का तायुन किया जाता है कि कौन क्या कैसे और कब हासिल करता है। इसी तरह इक्तिसादी मामलात में ज़राए की तकसीम और पैदावार का फैसला करना मईशत का काम है, जिसके अंदर वो ये फैसला करते हैं कि क्या पैदा करना है, कैसे पैदा करना है और किसके लिए पैदा।
करना है. तो इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमी और अ वेल्थ ऑफ अ स्टेट, वेयर एज पॉलिटिकल साइंस डील्स विद द स्टेट एंड द गवर्नमेंट. यानी पॉलिटिकल साइंस एक बड़ी ब्रांच है और उसी में उसकी जो मईशत है, रियासत की इक्तिसादियात है, उसको इकोनॉमिक्स के तहत पढ़ा जाता है. सो ये कहीं ना कहीं सियासियात का हिस्सा है. अब आ जाते हैं पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी. ज्योग्राफी इज अ फील्ड ऑफ साइंस रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ लैंड फीचर्स इनहेबिटेंट एंड फिनोमेना ऑफ द अर्थ एंड प्लांट्स एंड पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट. ज्योग्राफिया साइंस का वो इल्म है जो जमीन, इसके अनासर, बूदोबाश और जमीन और दीगर सैयारों की मालूमात फराहम करता है, जबकि सियासियात रियासत और हुकूमत का इल्म फराहम करता है. Territory is the essential element of state. Therefore, geography is a part of political science and provide basic knowledge of land, which provide means of natural resources to the state. Ilaka, आप जानते हैं कि रियासत के जब आप चार अनासर पढ़ते हैं तो इलाका उसके अंदर दूसरा अनासर होता है, पहले आबादी और दूसरा इलाका. उसकी मालूमात हमें ज्योग्राफी से हासिल होती है, ज्योग्राफिया से मिलती है कि रियासत कैसी है, उसकी जमीन कैसी है, उस पर कैसी पैदावार हो सकती है, उसके कुदरती वसाइल कैसे हैं. ये तमाम मालूमात हम एक रियासत को तरक्की देने में अहम तरीन किरदार अदा करती है और इस तरह जो भी मालूमात मिलती है वो सियासियात में इस्तेमाल की जाती है. ज्योग्राफी इज अ इंडिपेंडेंट स्टडी एंड पॉलिटिकल साइंस ओनली टेक नॉलेज विच नीडेड. आप और हम जानते हैं कि ज्योग्राफी एक इंडिपेंडेंट, खुद मुख्तार और अलहदा इल्म है और सियासियात में इसका सिर्फ वो हिस्सा शामिल है जिसका ताल्लुक रियासत की मालूमात से है. यानी ये वो मालूमात फराहम करता है जो रियासत को ज़रूरत पड़ने पर चाहिए होती है. तो ज्योग्राफी रियासत, पॉलिटिकल साइंस को रियासत के इलाके से मुतालिक तमाम मालूमात फराहम करता है. इस तरह दे आर वेरी कॉर्डियली कनेक्टेड विद ईच अदर. सो आज हमने आपको पॉलिटिकल साइंस का रिलेशन पढ़ाया विद अदर सोशल साइंसेज.